नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल भाई। सुरेंद्र मलिक मूरा पॉइंट पर आप सभी भाइयों का स्वागत है भाई। आज की वीडियो भाई आप डैमण गांव से लेके आ रहे हैं, जो कि भाई बरुआड़ से निकल के नैला पावड़ा ये गांव बीच को आवे है भूना। शायद पूछेंगे भाई ने भाई इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और तहसील कौन सी है भाई। पशु भी पूछेंगे भाई ने भाई कितने पशु है, कितने कितने दूध के और कौन से ब्याज के हैं। तो भाई एक बार आइए भाई साहब। राम राम भाई। राम राम भाई। सब भाई अपना मेरा नाम भाई साहब संदीप कुमार। अच्छा। गांव दैमण जिला फतेहाबाद। अच्छा। और मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर है 70157 21673। 21 है 21673। 673। हाँ हाँ। तो भैया जो की कौन से ब्याज की आपने? यह भाई जो टी फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइमर। हाँ। तो कितने दिन की ब्याई होगी भाई? या आज लगभग भाई 7 महीने करीब ब्याई होगी। 7 महीने करीब ब्याई होगी। हाँ हाँ। तो दूध कितना दिया भाई इसने? भाई पीक पर इसने 17-17.5 लीटर दूध दिया। 17.5 की। हाँ। दांत का दाता में क्या है? दाता में भाई जिस टाइम यह ब्याई थी उस टाइम थी 4 दांत, अब 6 हो चुकी है। 6 होगी। हाँ। क्या दांत ब्याई थी मतलब? हाँ, 4 दांत ने बच्चा दे दिया था, अब ये 6 दांत है। तो बुल का पता भाई कौन सा बुल की है? भाई बुल का तो मैं तो खरीद के ले आया था, बुल का पता नहीं है। खरीद के लेके आए? हाँ, खरीद के। तो सेल के लिए भी है अभी है, मतलब आके भाई आके ब्याने के बाद बेचेगा भाई? अब सेल के लिए नहीं है। अच्छा। बाकी आगे से ब्याने के बाद भाई भाई जोटी ने खोल के दिखाइए। ये देखो भाई बढ़िया टाइट एडी की जोटी है, मुठिया छड़ है और उछड़ में थोड़े ज्यादा दौड़े बाल है भाई और सींग छोटा है। ये देखो बहुत ही बढ़िया ब्लैक कलर की जोटी है भाई। उल्टी साइड में खोल जाएगी भाई गाड़ी। ये देखो भाई हाइट लेंथ की बहुत ही बढ़िया, पीठ पुठे की भी बहुत ही बढ़िया धोती है भाई। और 7 महीने की भाई ब्याई बतावा है, 17 किलो दूध दिया ताजा ने। ईब कितना दूध है भाई इसका? ईब फिलहाल भाई 14 किलो का अंडा। 14 किलो अंडा का। ये देखो भाई 4-5 टाइम का एक बार मिल्किंग करो, 14 किलो अंडा का दूध भी तैयार है। हाँ हाँ हाँ। ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया कलर की जोटी है, पीठ पुठे की बहुत बढ़िया, हाइट लेंथ भी बहुत ही बढ़िया जबरदस्त जोटी है। घुमा लो जी, घुमा लो घुमा लो। ये देखो बिल्कुल सिंग छोटा, मुंह भी छोटा, अंडर पन्ना सौर दिखा दिए भाई। अंडर पन्ना का जाल दिखा दे, दिखा दूंगा भाई। ये देखो भाई पीठ पुठे की बहुत ही बढ़िया लाजवाब जोटी है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। 17 किलो खर्की, अगर दो 4 दांत। हाँ, 4 दांत ना भाई। ये देखो भाई अंडर में नस देख लो एक बारी, बहुत ही बढ़िया नसल उभर के आई थी जोटी का, तभी 17 किलो दूध दिया जोटी ने भाई। ये देखो मुठिया थे बिल्कुल टाइट अंडर की। और अगली भाई ये महेश भाई अब तीसरे ब्याह में ब्याई हुई है। तीसरे ब्याह में? हाँ। कितने दिन की ब्याई होगी भाई? यह महेश होगी भाई 8 महीने की ब्याई। 8 महीने की। हाँ। दूध है अभी भी? हाँ, अभी भी दूध दे रही है भाई साहब। और ग्यापन कितने दिन की होगी? ग्यापन होगी लगभग 1.5 महीने की। 1.5 महीने की। हाँ हाँ। ईब कितना दूध है भाई इसका? ईब इसमें फिलहाल 12 किलो दूध है भाई मुख्य। और ताजा में इसमें 6 दिन की ब्याई में 20 किलो दूध था भाई। 6 दिन की ब्याई? 6 दिन की ब्याई में जेंटली गांव में 20 किलो दूध था। मतलब कोई कहीं पे लाइव चलवाई के? भाई लाइव नहीं चलवाई, उनने खुद ने घर पर तोल लिया था, फिर मैं ऐसा की बीमार कैल्शियम तोड़ गई। अच्छा। उसकी वजह से फिर यह डाउन है। देखो भाई 6 दिन की ब्याई ने 20 किलो दूध निकाला इस बार ने। किसने किया अभी? खोल के दिखा दे भाई। ये देखो भाई 6 दिन की ब्याई ने 20 किलो दूध दे रहा है। ये देखो थन मुठिया बिल्कुल टाइट अटर की और हाइट लाइन में बढ़िया है, सींग भी छोटा है और पीक उठे ही बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि भाई लंबी ब्याई होगी, भैंस थोड़ी कमजोर तो है फिलहाल। बाकी 6 दिन की ब्याई में 20 किलो दूध भाई मतलब थोड़ा नहीं होता। ये देखो बिल्कुल टाइट अटर की। ये देखो भाई और पीठ पुठे की बहुत ही बढ़िया लाजवाब भैंस है ये भी भाई, घुमा लिया। ये देखो आइलैंड की भी बढ़िया है भाई, सींग भी छोटा है, भैंस के ऊपर जचता हुआ सींग है और बिल्कुल ब्लैक जेड, शायद ही 5-7 बार हो गए भाई पूछड़ में, दिखावा आपने दिखाइए भाई हमारी पूछ। ये देखो भाई, ये देखो भाई आंगल, एक आंगल होगा शायद थोड़ा पूछ बांध दो जी। यह भैंस भाई मैंने दूसरे ब्याह में बेच दी थी 3.5 महीने नहीं गई। अच्छा। 1,32,500 की। अच्छा। यह भैंस आगे जाने के बाद में रची कोनी।
रची कोनी। हाँ अच्छा, ओड़ाया मैं लिया डेढ़ पौने दो साल में ब्याई, उसका तो फिर वापिस मैं ले आया। तो वापिस ले आया? हाँ, मैं ज्ञापन लिया था। अच्छा अच्छा, मैंने फिर यह मैं ऐसे 1,47,500 की बेच दी, जेंडली। हाँ जेंडली भी किया, जेंडली थी 6 दिन की ब्याई ना, मैं इसने 20 किलो दूध तोल दिया। 20 किलो वहां जाके ना मैं ओड़े भी कुंद रची। अच्छा अच्छा, उसने फिर न रचने का कारण, दूध ज्यादा देने का कारण, इसके टिक्के लगा दिए दूध कम करने के। अच्छा अच्छा अच्छा, जिद के बाद मैं लिया, मैं इसने फिर दूध कम कराया, नहीं मैं लिया 24-25 किलो दूध की मैं। अपना 24-25 किलो दूध दे अपना, मैं इसने दूसरे ब्यांत में 3.5 महीने की मैं 18 किलो दूध तुला के दी थी। 18 किलो हाँ हाँ। तो देखो भाई, भैंस के जो गुण बताए हैं भाई ने, लाजवाब गुण है भाई। मतलब 6 दिन की ब्याई के 20 किलो दूध मायने रखा है। आगे जिस टाइम ब्याह होगी उस टाइम इसकी लाइव मिल्किंग चलाऊंगा भाई साहब, 24-25 किलो दूध की खरी उम्मीद है। खरी उम्मीद है। हाँ ठीक भाई, बहुत बढ़िया। एक अगली और दिखाओगे भाई, खर की जोटी है जो भाई ने पूछांगे भाई, इसकी कोई डिटेल है या क्या दांत है? या भाई दो दांत है, मुंह दो दांत। हाँ आइटलाइन की बहुत ही बढ़िया लाजवाब है भाई, दो रख जाएगी भाई। कितनी हाइट है आपकी? हाइट है भाई मेरी 5'11" की। तो 5'2" की हाइट जोटी की शायद होगी इसकी भी भाई। छोटा सी है भाई, मुंह पचकता हुआ। एक बार इसकी और खोल के दिखा दे भाई, ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया आइटलाइन की जोटी है भाई। 4 दिन की ब्याई होगी भैया? आज या 8 दिन की ब्याई होगी भाई। 8 दिन की? हाँ। और दूध कितना है फिलहाल? आज फिलहाल इसमें 10 किलो कंडा का तोल का दूध तैयार है भाई। नीचे के है? नीचे कटड़ा है भाई। अच्छा अच्छा, या है कौन सा बुल की भाई? या भाई पंचायती बुल की है। ये देखो भाई छोटे सिंह की है बिल्कुल, रिंग सिंह, और आयरलैंड में भेज जोड़ा भाई। ये देखो पीठ पुठे की बहुत ही बढ़िया जोटी है भाई। 10 दिन की ब्याई बताओ है भाई, एक बार रोकियो। ये देखो टाइट अलर की बिल्कुल मुठिया थन है भाई, और पीठ पुठे की बढ़िया है, घुमा लो एक बार। 2.5 साल की बिल्कुल जमा कच्ची काटी है भाई। और दो दांत बताओ है भाई, दो दांत पाओगी? ये देखो बहुत ही बढ़िया लाजवाब दूध भाई। 10 किलो फिलहाल? हाँ 10 किलो कंडा का तोल है भाई। 4 टाइम काट दो, 5 टाइम काट दो। ये भाई सेल के लिए है? हाँ या सेल के लिए है। तो भाव हुआ इसका? भाव इसका भाई जमा जायज फिक्स। हाँ जायज फिक्स बताइए भाई। 1,20,000 रुपये भाई लेनी। 1,20,000? हाँ 1,20,000 रुपये भाव बताया भाई ने भाई। 14 किलो दूध की खरी उम्मीद है। अच्छा 14 किलो दूध तैयार करके भी दे दें भाई, 5-7 दिन 14 किलो तैयार करके। वो तो भाई आपका आदमी आप ले जाएगा, जो भी करना होगा वो भी करना होगा। नीचे कटड़ा? नीचे कटड़ा है। नीचे कटड़ा है भाई, किसी भाई ने खरीदनी हो तो भाई का नंबर स्क्रीन पर देवांगे भाई, इस भाई से संपर्क कर दे रहा करो। और अगली और पूछांगे भाई ने एक बारी। ये भाई? यह भाई आगे तीसरे ब्यांत में ब्याह होगी। तीसरे ब्यांत में? हाँ। और ईद ये कितने दिन की होगी? या लगभग ब्याई तो होगी साल की। अच्छा, और 2.5 महीने इसके ब्याण के रह रहे हैं। 2.5 महीने? हाँ। और ये दूध देव है? हाँ अभी दूध देव है। दूध देव है? दोनों टाइम में दूध देव है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूध की तो इसी बात है भाई साहब, यह खर के ब्याह में ब्याई थी नहीं, यह ब्याई थी 15 फरवरी ने। अच्छा 2021 में। ये कौन सा बोलते हो प्रेग्नेंट है भाई? ये भी अब PC 485। PC 485 HLDB का जो नॉमिनेटेड बुल है उससे प्रेग्नेंट। एक बारी भाई जी खोल के लेगी, कर दिए कौन? या तो बता रहे भाई, या कर दिए कौन? दूध दे दी दे दी ब्याह भाई, या बता। छान ब्याजी, छान है 4 किलो दूध निकाल के तड़के ने ब्याज है भाई, ये कड़दी नहीं है। ये देखो बिल्कुल छोटे सींग की जोकी है। और इब की बात तीसरे दांत पे आऊंगी भाई? हाँ इब की बात तीसरे दांत में आऊंगी। पीठ की बहुत ही बढ़िया चौड़ी पीठ की है, ब्लैक जेड बिल्कुल, और हाइट उठ की बढ़िया है भाई, घुमा लिया एक बार। ये देखो छोटे सींग की भाई बिल्कुल ब्लैक जेड। हाँ ये देखो भाई। अच्छा अच्छा, तो ये भाई सेल के लिए है? ये अभी सेल के लिए नहीं भाई, ब्याने के बाद में सेल करेंगे। अच्छा बाकी न्यू कर देने लोग भाई, बोला पीक यो है यो है। हाँ हाँ हाँ, पीक ही तो इस जोटी का है। अच्छा, क्योंकि लगा तार 2.5 साल हो गए। हाँ जिस दिन तक इसने बच्चा दिया था नहीं, पहली बार में कविंग करी थी। हाँ हाँ, उस दिन तक आज लगातार दूध देती है। कितना दूध दिया भाई थी पीक पे? भाई पीक पे थी फर्स्ट टाइमर ने दिया 14 लीटर 14 किलो। हाँ और दूसरे बार? दूसरे ब्यांत में दिया इसने 18 किलो। हाँ अच्छा, अब की बार मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा अब भी यानी 7 किलो दूध दोनों टेमा का दे रही है। अच्छा कोड़ी लाओ, थप्पी मार के बैठ जाओ। थप्पी मार के बैठ जाओ, तो ये भी मतलब ब्याने के बाद में सेल करेगा उसे? हाँ ब्याने के बाद में सेल करेंगे। अच्छा अच्छा,
अगर जे मान लिया टल तो गई अच्छा तो दूध तो देगी कम से कम भी 25-26 किलो। अगर जे नहीं टली नहीं फिर भी 20 किलो दूध से नीचे नहीं चलेगी। इसकी उम्मीद है आपको? हाँ बिल्कुल है भाई साहब। तो वैशाल के लिए तो फिलहाल ये खरकी खरकी है। हाँ यार खरकी खरकी 1,20,000 रुपए भाई ने भाव मांगा। भाई कितने दिन की ब्याई होगी? यह ब्याई होगी आज 8 दिन की भाई। 8 दिन की? हाँ यो बच्चा रहा भाई। ये देखो भाई बिल्कुल मुठिया थड़ है भाई। दूध 10 किलो? हाँ 10 किलो दूध किलो दूध है भाई। और 1,20,000 रुपये भाई ने बा बताया भाई। छोटा सींग रिंग सींग है और आर्टलाइन की बहुत ही बढ़िया जबरदस्त है भाई। छोटे सींग एक बारी भाई मुंह पाड़ के दिखा देगी? मुंह पाड़ के तो शायद नहीं दिखा। देख ले देखो तो रहने दे क्यों तंग करा। ये देखो भाई अटिया दे भाई बहुत ही बढ़िया ले भाई। खोलिए अलग से। तो भाई ये कटरी भी भाई ले रहा है, गाँव भी ले रहा है और ये छोटे बच्चे भी ले रहा है भाई। ये देखो भाई घर के घर पे पा रहा है भाई। तो वीडियो अच्छी लगा तो शेयर करिए और सब्सक्राइब। गाय तो भाई साहब इतनी शरीफ है इसका, गाय तो इतनी शरीफ है। अच्छा इसका चाह आदमी नीचे को लिख जो कोई नो कोई लात मारने की न्याणा लाओ। ब्याह होगी क्या अभी? हाँ यह ब्याह होगी भाई, तीसरे ब्याह तो ब्याह होगी। अच्छा अच्छा दूध कितना दिया भाई? दूध दिया भाई इसने 10-11 किलो। 10-11 किलो अपने घर की है? हाँ अपना घर की है भाई। अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई पशु कैसे लगे कमेंट में बता दे रही हो और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए भाई और कमेंट में बताइए भाई पशु भाई के कैसे लगे। नमस्कार।